1-666-666-666। कोलोराडो की रहने वाली जेन वेस्ट नाम की ये महिला अपने बच्चे के साथ अपने घर में बैठी थी और तभी उसके पास उसकी जिंदगी की सबसे अजीब कॉल आई और ये कॉल आने वाला नंबर था 1-666-666-666। इस अजीब से नंबर को देखकर जेन ने पहले तो ये फोन ही नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी ये कॉल कटी तभी उसके फोन पर 48 टेक्स्ट मैसेजेस आए और ये सभी अलग अलग नंबर से थे। इन सभी मैसेजेस में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, सैटर्न। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सैटर्न का मतलब क्या होता है और मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैसेज देखते ही जेन बुरी तरह से डर गई। वो नींदों में थी, उसका बच्चा सो रहा था, लेकिन इन मैसेजेस के बाद इन दोनों की नींद खुल गई। उसने तुरंत उस 1-666-666-666 वाले नंबर पर कॉल बैक करने का सोचा और जैसे ही कॉल करी तो उसे एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया, दिस नंबर इज नो लॉन्गर इन सर्विस। जिसके बाद ये सामने आया कि सिर्फ जेन ही नहीं थी जिसके पास इस नंबर से कॉल आई थी, बल्कि इस नंबर से और भी कई लोगों के पास कॉल आई और इन सभी को पीछे से बोलने वाले ने यही कहा कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। आयन फोक नाम के एक लड़के के नंबर पर भी कॉल आई और ये कॉल उसकी माता द्वारा उठाई गई थी, जिसमें सामने वाले ने उठाते ही आयन की जिंदगी के अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं ये सब कहा, जिसे सुनकर आयन की माता बहुत ज्यादा डर गई। जब आयन वापस आया तो उसने इस नंबर पर फिर से कॉल बैक करने की सोची, लेकिन उसकी कॉल भी नहीं लगी। यूके कॉलिंग। भूतों की सच्ची कहानियों वाली एक किताब के अनुसार 70 के दशक में यूके में रहने वाले बच्चे ये कहा करते थे कि एक नंबर है जिस पर कॉल फ्री में कर सकते हैं और इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको एक महिला हेल्प मी चिल्लाती हुई सुनाई देगी, जिसके बाद वो अंतिम में बोलती है सूजी इज ड्राउनिंग। ये नंबर था 2020202020। बेशक इस कॉल को करने वाला हर बच्चा डर जाया करता था, लेकिन उसकी देखम देख और बच्चे भी उस पर कॉल करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जो सुजी को मदद चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। 000000000। मुझे angelghost.com पर एक पोस्ट मिली जिस पर लिखा हुआ था कि एक महिला को एक अजीब से नंबर से कॉल आई। स्क्रीन पर सभी जीरोज देखकर वो महिला बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो महिला उस समय अपने कजन के अंतिम संस्कार में खड़ी थी और इस कॉल से डरकर उसने अपना फोन अपने दूसरे कजन को दे दिया। उसके कजन ने कई बार फोन पर हेलो हेलो चिल्लाया, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद इस महिला ने इस नंबर की जानकारी जुटानी शुरू करी। लेकिन इस मामले में तो पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे देश में 10-0 वाला नंबर कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं था। अंत में महिला ने अपने फोन को कई दिनों के लिए बंद कर दिया और छुट्टियां मनाने शहर से बाहर चली गई। सडाको। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पॉइंट का नाम सुनकर आप सुडोकू गेम में कंफ्यूज ना हो। सडाको असल में एक भूतनी का नाम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ लोगों की आत्माओं को परेशान करने के लिए बदनाम है। अगर आपने द रिंग देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें सभी किरदारों को एक महिला जिसका नाम सडाको है उसकी तरफ से कॉल आता है और पीछे से एक बेहद अजीब सी डरावनी आवाज वो चिल्लाती है और जो भी इस कॉल को उठाता है वो महिला उस इंसान को जीने के लिए कुछ ही दिन देती है, जिसके बाद वो आदमी सच में मारा जाता है। मुझे नहीं पता कि कोई क्यों खुद से सड़ाकों को कॉल करेगा, आप भी ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका नंबर बता देता हूँ, जिसका नंबर है 09088888888। इस भूतिया नंबर के आगे जापान का कंट्री कोड यानी कि +81 लगाकर इसे मिलाया जा सकता है और जब ये कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो यकीन मानिए इस कॉल के पीछे से आने वाली आवाज आपकी अच्छी भली जिंदगी को हराम बना देगी। जिन लोगों ने इस नंबर पर कॉल किया उनके अनुसार पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज आपको जीने के लिए 7 या उससे कम दिनों का समय देगी, या फिर इसके अलावा आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो आपकी आत्माओं को भी झंझोड़ कर रख देगी। उस आवाज को सुनकर आप पक्का कॉल कट कर देंगे। सड़ाकों को असल जिंदगी में आपके सामने आकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ये जानलेवा आवाज ही किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी है। आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया कि इस नंबर के पीछे असल में कौन फोन उठाता है। जिन जिन लोगों ने सड़ाकों को कॉल किया उन लोगों के साथ एक हफ्ते के अंदर जरूर कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें उनकी सारी जिंदगी याद रहेगा। वैसे अब मैं आपको यहाँ कुछ बता दूं कि मैंने इन सभी नंबर्स पर कॉल किया और उसके रिजल्ट्स अगर आपको जानने हैं तो वो मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता, वो क्योंकि बहुत ही भयंकर हैं। आप उनके रिजल्ट्स मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक भी लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 1-000000000। पता नहीं क्यों पर यह नंबर दिखने में ही फेक लग रहा है और
और सच में ये नंबर फेक ही है, क्योंकि अगर आप इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कॉल अपने आप कट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1-000-000-000 आपको कभी कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में कई लोग सामने आए जिन्होंने शिकायत करी कि उन्हें इस नंबर से कॉल आई, और जब उन्होंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से पीछे एक आदमी उठाते ही ये बोलने लग जाता है कि अगर आपने इस नंबर के बारे में 15 और लोगों को नहीं बताया तो आपकी मौत हो जाएगी। ये मुझे कुछ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लग रहा है। हो सकता है वो आदमी जरूर अपनी BMW में बैठकर लोगों को फोन कर रहा हो। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम उस आदमी की बात को ना माने तो क्या होगा, साथ ही अगर मान ले तो भी क्या होगा। सबसे पहले एक आदमी जिसने इन सभी नियमों को पूरा किया, उसके कहे अनुसार अपने 15 दोस्तों को उसने कॉल किया और इसके बारे में बताया। ये काम पूरा होने के बाद उसे अब अनुमति थी कि वो अब ऑपरेटर 4141 से बात कर सकता है, और जैसे ही ऑपरेटर 4141 का कॉल आया तो इसके पीछे भी एक आदमी की ही आवाज थी। पता नहीं वो आदमी क्या बोले जा रहा था, जिससे परेशान होकर इस आदमी ने कॉल कट कर दी। इसके आगे क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता, और ना ही मुझे पता करना है। द रेड नंबर्स। हमारे प्यारे पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे मोबाइलों में सरकार द्वारा एक वार्निंग मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा था कि कोई भी रेड नंबर से आने वाली कॉल्स को ना उठाए, और ये नंबर थे 7888-308-001, 9316-04-8121, 9876-266-211, 9888-54137, 9876-715587। पता नहीं वहाँ की सरकार कौन से नशे में रहती है, क्योंकि लोगों में डर बैठाने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए मैसेज में ये तक लिखा गया कि इस नंबर से आने वाली कॉल्स को उठाया तो तुरंत आपकी ब्रेन हैमरेज से मौत हो जाएगी, क्योंकि ये कॉल्स बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल एमिट करती हैं जो कोई भी इंसानी शरीर नहीं झेल सकता। इस मैसेज के अंत में ये भी लिखा गया कि अभी तक कुल 7 लोग इन नंबर्स की वजह से मारे जा चुके हैं, और इन सभी नंबर्स की खबर DD न्यूज, आज तक न्यूज चैनल और IBN 7 पर भी कवर की गई थी। तो अब सवाल था कि यहां असल में चल क्या रहा है। ये मैसेज सन 2007 में सरकार की तरफ से भेजा गया था, और इसकी अफवाहें 2010 में भी चलती रही। पाकिस्तान के लोग 3 साल में इतने तो समझदार हो ही गए थे कि उन्होंने इस नंबर से आने वाली कॉल्स को उठाना बंद कर दिया। 2010 में आए सरकार की तरफ से मैसेज में लिखा था कि इन कॉल्स को उठाने की वजह से अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस न्यूज को भी फिर से DD न्यूज पर कवर किया गया। इन कॉल्स को उठाते ही लोगों को वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला भाषण सुनाई दे रहा था। उन्हें यह नंबर या फिर मैसेज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सेंड करना था। इसके आगे क्या होना था ये किसी को नहीं पता। 666। अमेरिका में आज भी एक अफवाह चलती है, और वो अफवाह ये है कि अगर आप 666 नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको कुछ कॉल पर ऐसा सुनाई देगा जो आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। एक गुप्त सोर्स के अनुसार उसके कुछ दोस्तों ने इस नंबर पर कॉल करने का ट्राई किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वो सर फाड़ देने वाला म्यूजिक सुनाई दे रहा था, जबकि कुछ और लोगों ने ऐसी खतरनाक आवाजें सुनी जो उन्हें हमेशा याद रहेंगी। एक औरत जिसने बताया कि उसे 666 नंबर से कॉल आई, उसने कॉल उठाई लेकिन उठाने के बाद उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब उसने कॉल कट करके फिर से 666 पर कॉल करना चाहा तो वो कॉल लगी नहीं, जबकि तुरंत उसे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था कि कॉल कुड नॉट बी कंप्लीटेड एज डायल्ड। उस महिला ने बताया कि इस मैसेज के बाद उसका फोन सस्ते नशे का शिकार हो गया, क्योंकि उसके फोन ने अपने आप ही 5 मिनटों बाद उसके बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया। लेकिन यहां हैरानी वाली बात ये थी कि ये कॉल उसकी किसी भी कॉल लॉग में रजिस्टर नहीं हुई, जबकि उसके बॉयफ्रेंड के फोन में वो कॉल देखी जा सकती थी। ये सच में हैरान कर देने वाला था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट SP टाई कमांडो को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।